सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस एल गिवन है एंड रेजिस्टेंस आर गिवन है इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। देखो आर एल सर्किट को एसी के साथ नहीं किया, डीसी के साथ किया, 6 वोल्ट की बैटरी है, कनेक्ट कर दिया। फाइंड टाइम इलैप्स बिफोर द करंट एक्वायर्स हाफ ऑफ इट्स स्टेडी वैल्यू। तो करंट स्टेडी वैल्यू क्या होगी उसकी, जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि डीसी में जब ऑन करते हो बैटरी तो करंट को मैक्सिमम होना है आई नॉट। तो वो क्या कह रहे हैं कि समय बताओ, टाइम बताओ जब करंट क्या हो जाएगा स्टेडी वैल्यू का हाफ आई नॉट बाई टू। मुझे बताओ जब बैटरी कनेक्ट करोगे तो ग्रोथ ऑफ करंट है कि डिके ऑफ करंट है, ग्रो करेगा। तो ग्रो में फॉर्मूला ये लगेगा, इस फॉर्मूले में टाउ क्या होता है एल बाई आर, एल पता है आर पता है आंसर। तो आप यहाँ पे करंट आई को क्या पुट करेंगे आई नॉट बाई टू। अब एल बाई आर ये टी स्मॉल टी आपको निकालना है, टाउ आपको पता है, सॉल्व करके स्मॉल टी की वैल्यू मैथ्स वाले लोग निकालेंगे, नॉट फॉर मेडिकल। ये पूरी शीट जो मैं अब करवा रहा हूँ नॉट फॉर मेडिकल, ओनली नॉन मेडिकल। और ऐसी कैलकुलेशन आती भी नहीं है, कैलकुलेशन आपको ऐसी आती हैं जो वहाँ पर आराम से सॉल्व हो सके। पर मेथड समझ में आ रहा है ठीक। नेक्स्ट है एल सी आर हैविंग एल सी आर, एल पता है आर पता है और एल पता है और आर ही पता है, एल सी आर लिखा हुआ है वैसे। बैटरी कितनी है 6 वोल्ट, इस स्विच्ड ऑन, स्विच ऑन करते ही करंट क्या होगा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। फाइंड पावर डिसिपेटेड जब टाइम कितना है 4 सेकेंड। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, हमने ये क्वेश्चन पहले भी किए, जब भी एल सी आर एल आर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और पावर डिसिपेशन की बात होती है तो पावर डिसिपेशन में आई स्क्वायर जेड नहीं लगता, हमेशा आई स्क्वायर आर लगता है। हमने किया था एनसीईआरटी के अंदर भी, एलसीआर के न्यूमेरिकल जब कर रहे थे तो आई स्क्वायर आर लगता है। अब प्रॉब्लम क्या है, आर तो मुझे पता है, आई की वैल्यू मुझे कब निकालनी है जब टाइम कितना है 4 सेकेंड। बैटरी को ऑन किया तो इंस्टेंटेनियस करंट का ये फॉर्मूला, करंट क्या होगा E बाई आर। एक बात बताओ करंट E बाई जेड क्यों नहीं होगा, एल आर सर्किट है, E बाई आर क्यों होगा, मैक्सिमम करंट E बाई आर क्यों होगा, ये आई नॉट होता है ना, आई नॉट की जगह E बाई आर क्यों पुट किया, इंडक्टर को तो छोड़ ही दिया, क्यों, क्योंकि जब करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम तो इंडक्टर अपना रोल प्ले करना बंद कर देगा, तो कौन बचा सिर्फ R। तो इसलिए मैक्सिमम करंट जब भी पुट करेंगे उसमें E बाई क्या आएगा आर आएगा, इंडक्टर कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, डीसी के केस में, एसी में तो जेड आता है, डीसी में सिर्फ आर आता है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू, क्योंकि ई पता है आर पता है टाइम 4 सेकंड पता है, टाउ निकाल लेना एल बाई आर से, सारी कैलकुलेशन करके 3.8। ऐसी कैलकुलेशन आती नहीं, बात अलग है, आप ई की पावर कैसे सॉल्व करोगे, पर चलो इन एनी केस जैसी भी है करंट आ गया, आपको क्या निकालना है आई स्क्वायर आर आंसर। आपको मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे कमाल की बात ये वो बताता ही नहीं है कि ग्रोथ या डीके ऑफ करंट का क्वेश्चन है, पता कैसे लगेगा, पता ही नहीं लगता जल्दी जल्दी, तो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं आधे टाइम ही पता लगता कि ये ग्रोथ और डीके का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि लिखा नहीं हुआ ना, कई बार स्टूडेंट नॉर्मल एल आर कर लेता है, वो भूल जाता है कि करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, वो सीधा ही कांस्टेंट करंट के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। चलो प्रैक्टिस से पता लगेगा, जैसे इस क्वेश्चन की जगह इसे करना, क्वेश्चन है एन इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, एल आर है विद अ बैटरी ईएमएफ ई, फाइंड मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर होती है। बैटरी आपने लगाई है तो करंट टाइम के साथ क्या होगा इंक्रीज होगा, करंट जब इंक्रीज होगा तो करंट ऐसे इंक्रीज होगा, ये रहा आई की जगह वो आई नॉट वन माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाय टाउ, इस करंट को आपने यहाँ पुट किया हुआ है तो ये क्या आ गया इंस्टेंटेनियस एनर्जी आ गई, इंस्टेंटेनियस एनर्जी आ गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी निकालने के लिए टाइम के साथ क्या किया डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैथ्स वाले लोग कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट करके ये पावर आएगी। अब वो कह रहा है कि मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एनर्जी है वो मैक्सिमम चाहिए, अब मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो गया, अब मैथ्स में करते हैं मैक्सिमम मिनिमा, तो इसको उठा के डी यू बाई डी टी को क्या पुट कर दिया जीरो, तो ये जीरो रादर इसमें क्या जीरो करना है, फाइंड मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन दी
मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाया, बेसिकली ये पावर आ गई. तो पावर क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी. वो कह रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी यानी कि पावर मैक्सिमम है, तो आपने डी यू बाई डी टी जीरो नहीं पुट करना, आपने इसमें पावर को डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो पुट करना है. तो यानी कि एक बार और डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो पुट करके ये वैल्यू आएगी और इसको मैक्सिमम पावर में पुट करेंगे तो आंसर आएगा. अब इसके लिए आपको इंटीग्रेशन चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, क्योंकि फिजिक्स तो यूज़ ही नहीं हो रही. फिजिक्स में तो हाफ एल आई स्क्वायर में आई की वैल्यू यूज़ हो रही है. तो नॉट फॉर मेडिकल. इस टाइप की प्रॉब्लम भी नॉन मेडिकल में इतनी हार्ड नहीं आती, थोड़ा सा सॉफ्ट कैलकुलेशंस हैं. तो आपके पास ईएमआई एसी की वो शीट है प्रिंटेड पुराने पेपर्स की, आप उसमें ट्राई करना. तीन चार लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते. ठीक, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करनी है. आइडिया क्लियर है यहाँ तक?